दोस्तों वेलकम टू सिंटम अकेडमी यूट्यूब चैनल आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन क्वेश्चन जी आ, तो आइए पढ़ते हैं हैं सबसे पहले ये है क्या और फिर देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं द क्वेश्चन अ नेचुरल नंबर हैज फोर एंड द सम ऑफ इट्स डिवाइजेस एक्सक्लूडिंग वन एंड इट सेल्फ इज थर्टी देन द नंबर ऑफ सच डिवाइजर इज तो बेसिकली ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो यहाँ हमें एक इंटीग्रल वैल्यू भरना है कि ऐसे कितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे जिनके सिर्फ फोर डिवाइजेज हैं ऑफकोर्स डिवाइजेज में वो नंबर खुद भी आएगा और वन तो रहेगा ही इसके अलावा उसके पास दो और डिवाइज होने चाहिए और इतना ही नहीं दोस्तों वो जो दो एक्स्ट्रा डिवाइजेज हैं अपार्ट फ्रॉम वन एंड द नंबर इट्स उनका सम आना चाहिए थर्टी ओके तो दोस्तों पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग अपने लॉजिक से फिर देखेंगे कोडिंग करके पाइथन पे कि क्या हमारा लॉजिक और पाइथन का कोड एक दूसरे से मेल खा रहा है कि नहीं चलिए आइए देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि अगर किसी भी नंबर एन को आप प्राइम फैक्टराइज करते हो ठीक है तो मान लीजिए कि मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करता हूं जिसको हम लोग कहते हैं कनोनिकल फॉर्म में भी लिखना कहते हैं इसको तो जैसे मान लीजिए किसी नंबर का यह प्राइम फैक्टराइजेशन है टू टू दी पार अल्फा वन थ्री टू दी पार अल्फा टू फाइव टू दी दार अल्फा थ्री एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ मैं ज्यादा फैक्टर नहीं लिख रहा हूं यहां पे तो दोस्तों नंबर ऑफ क्या होता है नंबर ऑफ डिज अब जब हम बात करें डिवाइस की मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइस ठीक है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइस तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइस होते हैं दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ अल्फा वन प्लस वन अल्फा टू प्लस वन अल्फा थ्री प्लस वन एंड सो ऑन ओके okay. तो जब आप उसको प्राइम फैक्टराइज कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने प्राइम फैक्टर्स बन के आ रहे हैं उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको आपको इस प्रकार से ऑपरेशन करना है जस्ट ऐड वन टू द द एक्सपोनेंट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स दैट यू सी इन फॉर्म एंड कीप देम टू गेट दाइम नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइज ठीक है तो दोस्तों यहां इस नंबर का एन का सिर्फ चार ही डिवाइजर है राइट right? तो जब नंबर ऑफ डिवाइजर्स चार हैं दोस्तों तो उसका यह मतलब है देर आर टू पॉसिबिलिटीज विथ रिस्पेक्ट टू दैट नंबर उस नंबर में किसी भी एक प्राइम नंबर पी कोई भी प्राइम नंबर मान लेते हैं पी उसका पावर थ्री है तभी तो जाके थ्री प्लस वन फोर होता है ठीक है तो केस नंबर वन कह सकते हैं कि वो नंबर एक्चुअली एक परफेक्ट क्यूब है किसी प्राइम नंबर का करेक्ट या yeah. दूसरा केस ये हो सकता है कि वो जो नंबर है वो जो नंबर है उसमें टू प्राइम्स इन्वॉल्व हैं पी वन एंड पी टू और दोनों के ऊपर पावर वन और वन है क्योंकि दोस्तों हमें मालूम है one one, one one ही आपको देगा दोस्तों तीसरा और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता ठीक है तो इस बात को आप समझ लें कि दो ही पॉसिबिलिटी यहां हो पाएगी या तो उस नंबर उस नंबर को आप कैनोनिकल फॉर्म में जब लिखते हो तो एक प्राइम नंबर टू द पावर ऑफ थ्री लिख पाते हो तभी आपका थ्री प्लस वन इक्वल टू फोर डिवाइज निकलते हैं या आपका वो नंबर जब आप कैनोनिकल फॉर्म में लिखते हो कुछ इस प्रकार से दिखता है p1 वन टू दी पार वन पी टू टू दी पार्ट टू वे पी वन एंड पी टू आर प्राइम नंबर है ठीक है चलिए अब दोनों केस को एक बार डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं तो पहले केस के हिसाब से अगर वो नंबर पी क्यूब के फॉर्म में है इसका क्या मतलब है दोस्तों इसका मतलब है कि उसके जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं वो होने चाहिए वन पी पी स्क्वेयर और पी क्यूब करेक्ट नाउ द सम ऑफ द डिवाइजर्स अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ शुड एड अप टू थर्टी ठीक है तो हमारा ये एक्सप्रेशन p प्लस आपको 30 देगा ठीक है सॉल्विंग इट एज अ क्वाड्रेटिक इन p, ये तो आप आसानी से देख सकते हो कि फैक्टराइजेबल है p प्लस सिक्स टाइम्स पी माइनस फाइव इक्वल टू जीरो तो p की वैल्यू यहां पे फाइव आएगी माइनस सिक्स तो हो नहीं सकता तो बेसिकली एक केस आपका निकल के ये आता है कि वो आपका जो नंबर है वो फाइव क्यूब रहा होगा विच इज वन ट्वेंटी फाइव और आइए वेरीफाई भी कर लेते हैं तो यहां पे आप देख पाओगे कि जो वन ट्वेंटी फाइव है उसके जो डिवाइजर्स हैं उसके जो डिवाइजर्स हैं वो क्या होंगे वन होंगे फाइव होंगे ट्वेंटी फाइव होगा और वन ट्वेंटी फाइव होगा तो आप यहां पे देख ल, देख रहे होंगे कि फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव दोस्तों आपका थर्टी वन तो चलिए एक आंसर तो हमें मिल गया कि वन ट्वेंटी फाइव एक ऐसा नंबर है जो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है आइए बढ़ते हैं केस नंबर टू लेते हैं केस नंबर टू में हमारा नंबर जो है वो एक प्राइम नंबर पी वन टू दी पावर वन और एक और प्राइम नंबर p2 टू द पावर वन के फॉर्म में है ठीक है तो केस नंबर टू को अगर हम देखें तो हमारा नंबर एक्चुअली p1 p2 है ठीक है तो उसके डिवाइजर्स क्या-क्या होंगे इसके डिवाइजर्स होंगे वन, p1 p2 और p1 p2 नंबर इटसेल्फ ठीक है अब हमें यहां दे रखा है दोस्तों कि ये जो नंबर के जो डिवाइजर्स हैं p1 और p2 इनका सम आ रहा है 30 जी हाँ दोस्तों इसका सम आ रहा है थर्टी तो दोस्तों हमें यहां देखना पड़ेगा कि कितने प्राइम नंबर्स p1 एंड p2 ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनका सम थर्टी आता है जिनका सम थर्टी आता है तो पहला केस जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है p1 वन इक्वल टू सेवन एंड पी टू इक्वल टू ट्वेंटी थ्री है ना तो ऐसे हालात में हमारा जो नंबर होगा वो होगा 23 थ्री इंटू सेवन विच इज वन राइट तो ये हमारा दूसरा आंसर निकल के आ गया पहला आंसर था 125, दूसरा आंसर आ गया 161। चलिए दूसरा केस देखते हैं दूसरा केस वो होगा जहां पे हमारा नंबर कुछ इस प्रकार से होना चाहिए एक इलेवन होना चाहिए और दूसरा नाइनटीन होना चाहिए है कि नहीं दोस्तों है कि नहीं तो यहां इस केस में भी समी वन पी टू इज थर्टी तो नंबर हमारा क्या होगा इलेवन इंटू नाइनटीन विच इज टू हंड्रेड एंड नाइन टू हंड्रेड एंड नाइन ऐसा तीसरा नंबर है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है मेरे दोस्तों ठीक है आइए बढ़ते हैं तीसरा केस होता है थर्टीन और 17 का ठीक है तो हमारा पी वन थर्टीन हो सकता है और पी टू हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों ठीक है तो इस केस में हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा 13 इंटू सेवनटीन थर्टीन इंटू सेवनटीन होता है 221। राइट right? तो दोस्तों हमारे पास कितने नंबर आ गए ऑल टुगेदर तो आपका जो एन होगा वो हो सकता है 125 वो हो सकता है 161 वो हो सकता है 209 वो हो सकता है 221 तो दोस्तों ऑल टुगेदर ऐसे नंबर्स की संख्या सिर्फ चार है ठीक है तो यहां पे जो हमारा सवाल है उसका जो आंसर होगा वो होगा द नंबर ऑफ सच नंबर्स पॉसिबल इज Is four. Okay दोस्तों तो दोस्तों आइए इसको पाइथन में कोड करके देखते हैं कि क्या ऐसे चार ही नंबर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं चलिए देखते हैं चलिए दोस्तों अब हम आगे हैं ऑनलाइन पाइथन डॉट कॉम पे तो हम लोग यहाँ पे कोड लिखने वाले हैं ये पता करने के लिए कि आखिरकार ऐसे कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं ऐसे कितने एग्जिस्ट करते हैं जिनके सिर्फ चार डिवाइजर है और द सम ऑफ द डिवाइस एक्सक्लूडिंग वन एंड नंबर इट सेल्फ शुड एडअप टू थर्टी तो सबसे पहले एक वेरिएबल ले, ले लेते हैं एन एन की वैल्यू यहां पे वन है और एक वाइल्ड लूप लिखते हैं क्योंकि हमें तो मालूम नहीं है कि हमें कहां से कहां तक जाना है क्योंकि हमें जो नंबर की खोज करनी है वो नंबर तो कहीं भी हो सकता है करेक्ट हालांकि जो हमारा आंसर आया है वो लेस देन थाउजेंड ही है पर फिर भी एहतियात के तौर पे मैं एक लूप रन करूंगा थ्री थाउजेंड तक चलिए फाइव थाउजेंड तक रन कर लेते हैं थ्री थाउजेंड भी क्या फाइव थाउजेंड तक रन कर लेते हैं ठीक है तो वी विल रन द लूप फ्रॉम वन टू फाइव थाउजेंड ठीक है रूप में क्या करूंगा एक काउंटर बनाऊंगा जो कि काउंट करेगा इसके नंबर ऑफ डिवाइस को तो मान लीजिए वो काउंटर है सीओ यू एन टी काउंट ठीक है डिवाइज कि कितना आ रहा है इसको भी स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर लेते हैं हम लोग जीरो से ठीक है अब एक फॉर लूप चलाते हैं ये फॉर लूप क्या करेगा ये काउंट करेगा नंबर ऑफ डिवाइज को ठीक है तो फॉर लूप आई इन रेंज इन रेंज चलिए स्टार्ट करते हैं वन से और एन प्लस वन एन प्लस वन इसीलिए क्योंकि नॉर्मली वो एन तक नहीं जाता है अगर आप एन लिखोगे तो आपको अगर एन तक लेके जाना है तो आपको एन प्लस वन तक जाना ही पड़ेगा ठीक है अब कंडीशन ये है कि इफ इफ द नंबर एन मॉड्यूलो मॉड्यूलो आई इज इक्वल इक्वल टू जीरो मतलब है दोस्तों कि अगर आई एन को डिवाइड कर रहा है मतलब आई एन का डिवाइजर है तो क्या करो हमारे काउंट को हमारे काउंट को काउंट प्लस वन कर दो क्या कर दो काउंट प्लस वन कर दो ठीक है और सम में सम प्लस आई कर देते हैं ठीक है सम में सम प्लस आई कर दिया हम लोगों ने ताकि हम साथ साथ नंबर ऑफ डिवाइजर्स को भी जोड़ते जाएं ठीक है चलिए अब हम थोड़ा लूप से इस इफ लूप से बाहर निकलते हैं इफ लूप से बाहर निकल के लूप से भी बाहर निकलते हैं नाउ लेट्स टेक अप दाइनल कॉल की अगर इफ काउंट इज इक्वल इक्वल टू फोर अगर काउंट की संख्या फोर के बराबर है एंड सम ऑफ द डिवाइस इज इक्वल इक्वल टू ना दोस्तों यहां पर ख्याल रखिए यहां पर जब सम आप कर रहे हो तो समर्टी तो आना ही चाहिए ऑफ नंबर्स और ऑफ डिवाइस एक्सक्लूडिंग वन तो दोस्तों यहां ख्याल रखिए जो सम आना चाहिए वो होना चाहिए थर्टी प्लस वन प्लस द नंबर राइट क्योंकि आप जब आप यहां पे सम लिख रहे हो तो ये सम सबको कर ले रहा है वन को भी एडअप कर ले रहा है एन को भी एडअप कर ले रहा है करेक्ट तो आइडियली अगर आपको एक्सक्लूडिंग वन ऑन द एंड द नंबर थर्टी चाहिए तो सम आपका होना चाहिए थर्टी प्लस वन प्लस एन ठीक है और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तभी प्रिंट करें एन अन्यथा ना प्रिंट करें हमारा समय बर्बाद ना करें ठीक है चलिए अब यहां पे हम लोग वापस से लूप से से बाहर निकलते हैं हैं और एन को इंक्रीमेंट कर देते हैं एन प्लस वन से। नहीं तो हमारा लूप तो कभी बंद नहीं होगा ठीक है चलिए आइए इस कोड को हम लोग रन करते हैं दोस्तों रन करने का कमांड नीचे है देखते हैं देखते हैं देखते हैं है क्या आंसर आता है हमारा ओ देखिए ओ देखिए दोस्तों और देखिए दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है नीचे स्क्रीन पे देखिए यहां पे मेरे कर्सर को देखिए 125, 161, 209 एंड 221 आर टू ओनली फोर नंबर्स विच आर बेसिकली सैटिस्फाइंग दिस क्राइटेरिया गिवन इन क्वेश्चन दैट मींस यही चार ऐसे नंबर हैं जिनके फोर डिवाइजर्स हैं एंड सम ऑफ द डिवाइजर्स एक्सक्लूडिंग वन एंड इट सेल्फ इल बी थर्टी ओके तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ